गाइस ये है पल्सर 220, ये 220 नहीं है, खाली फ्रेम पड़ा है, मतलब अड्डी अड्डी है। इस गाड़ी को हमने नया करना है। नया कैसे होगी, कस्टमर कह रहा है जितने भी बॉडी पार्ट है सब नया। वाओ, लेकिन चेसिस तो नया नहीं डाल रहे, इंजन नया नहीं डाल रहे, और काफी ऐसे आइटम हैं जो हमारे पुराने यूज हो रहे हैं, हम खाली बॉडी पार्ट चेंज कर रहे हैं। क्या क्या, जैसे कि ये है वाइजर, हेडलाइट, अगर आगे की बात करूं मैं, हेडलाइट स्टे, विंडस्क्रीन और हैंडल, दोनों फोर्क दोनों वही हैं, फ्यूल टैंक चेंज करना है, रियर बैक कोल चेंज करनी है, विंडस्क्रीन या फ्रंट फेंडर चेंज करना है, बाकी के जितने भी आइटम हैं और अंदर के अंदरूनी है वो पुराने ही हैं जैसे, लेकिन वो भी हमने पेंट करने हैं, और जित बाकी के प्लेट व्लेट सोकर, मतलब गाड़ी पूरी हमने ओपन करा दी है, सब कुछ साइड में रखकर करवा दिया है। अब इसमें पेंटर से हमने बात करी तो हमारे एरिया में यहाँ पे पेंटर नहीं कोई, और पेंटर है भी तो पैसे मुँह फाड़ रहे हैं वो, बस इतना के सारे पैसे उसी को दे दो, ऐसा बात हो रही है। पेंटर का काम भी मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत पहले करता था, लेकिन टाइम ना होने के कारण अभी हमारे पास टाइम नहीं इतना जो हम पेंट खुद कर सके, लेकिन बस फाइनली जब हमें रेट सही नहीं लगे पेंटर के, अभी खाली ना बॉडी तो हम बदलवा रहे हैं, अगर चेसी वेसी कर रहे हैं तो 5,000 रुपये मांग रहे हैं, चेचिस होगी, फोर हो गए, 5-5, 6-6,000 रुपये मुँह पड़ रहे हैं, कस्टमर का हमारा बजट इतना है नहीं, साथ में हमने इसको इतना एस्टिमेट नहीं दिया, तो इस गाड़ी को अब हमने ये सोचा हम खुद ही पेंट करेंगे, ठीक है, पेंटर मेरे पास ऑलरेडी पेंट कर गए हैं, और पूरी गाड़ी को हमने न्यू ब्रांड बनाना है। अब इसका ना खाली सामान मंगाने में कम से कम नहीं तो मान के चलो 15 दिन तो हमने सामान मंगा चुके हैं, सारा रखा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास और साइड में रखा है, बजाज का ओरिजिनल पार्ट बिल्कुल A to Z सब कुछ, वो सब पार्ट मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अब पेंट का पार वो है तो पेंट कैसा हुआ नहीं, ये भाई पेंटर जैसा तो नहीं कर पाएंगे हम, हाँ क्वालिटी कोशिश करेंगे वैसी ही दें हम जैसे पेंटर देता है, ठीक है, तो लड़के मेरे साथ में सफाई करेंगे इसमें, मतलब जितनी भी है उसकी मंजाई वंजाई होती है, तो मैं इस गाड़ी को फटाफट हमने देखो सफाई स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे पूरा इंजन सफाई है, हम डीजल से वॉश करेंगे इसको प्रॉपर तरीके, ये बॉडी पार्ट तो नया रिप्लेस होना ही है, लेकिन ये जो पार्ट है अलॉय व्हील है इसकी सफाई है, ये सफाई करवाना स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, फिर पेंट करेंगे इस पर, ठीक है, तो बने रहना वीडियो में आगे कंटिन्यू, इस वीडियो में मतलब इस बाइक में काफ़ी कितना एस्टिमेट आएगा वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बाइक रेडी होने के बाद भी दिखाऊंगा आपको कितनी मतलब कैसी लुक आ रही है इसकी, ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में आप साथ रहना, हमारा साथ देना, तो इस प्रोजेक्ट को हो सकता है हमारा हफ्ता लगे। गाड़ी होगी रेडी पेंट के लिए, ये इंजन की सफाई हो गई है पूरी, ये बॉडी फ्रेम पूरा साफ करवा दिया है, वेल्डिंग करवा दी है, अब क्या पेंट करते हैं स्टार्ट फटाफट। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, पहले भी 2 बार पेंट मारा है, लेकिन ऐसी गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अलग करने में मज़ा आता है। फाइनली गाइज हमने जो गाड़ी है पल्सर 220 ये रेडी हो गई है, गाड़ी की जो लुक पहले की थी वो मैं दिखा नहीं पाया वीडियो में, लेकिन अब जो लुक आ रही है वो पर मस्त आ रही है। इसमें एक चीज़ का हो रहेगा, जो फ्यूल टैंक है जो स्टिकर वाला मिला हमें 23 मॉडल का नहीं मिल पाया किसी कारणवश, मैंने काफ़ी हमने ट्राई किया वो नहीं मिला, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो 23 का ही अवेलेबल था, हमने वो पार्ट मतलब पूरा एक गाड़ी का सेट कर ट्राई करने की कोशिश, लेकिन अदर पार्ट है जैसे कि वाइजर है, पैनल है, सीट कावल है, ये जो पार्ट है ये हमें मिले 23 के, और फ्यूल टैंक मिला BS4 का, तो ये थोड़ा हो गया, लेकिन अब हमारा क्या है
जो ये स्टिकर हैं ये हमने ऑर्डर में डाल दिए हैं, हम इस गाड़ी पे जो फर्स्ट सर्विस आएगी उसमें क्या करेंगे, सारी गाड़ी पे जितने की फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक को छोड़ के वाइजर पैनल जो सीट कवर है इसके जो स्टिकर है जेन्युइन वो हम लगाएंगे और गाड़ी BS4 हो जाएगी। वैसे नहीं होगी, स्टिकर वाइज मतलब थोड़ा लुक आएगी इसकी, जो 2018-19 मॉडल में जो आती थी पल्सर 220 उसकी लुक आएगी। बाकी गाड़ी आपके सामने है, कैसी पेंट करिए देखो एक बार। भाई अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली में कितना कॉस्ट मतलब कि कितना खर्चा आया और साथ में हमने क्या क्या पार्ट इसमें रिप्लेसमेंट किया। वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था इसमें बॉडी पार्ट हमने सारा रिप्लेस किया है, उसमें क्या क्या विंडस्क्रीन, मीटर प्लेट, वाइजर, फ्यूल टैंक, दोनों पैनल, सीट कावल ये तो रिप्लेस किया ही किया है, चारों इंडिकेटर, हैंडल पूरी लॉक किट चेंज करी है, दोनों डिस्क प्लेट पीछे वाली, स्विंग आर्म ये वाला स्विंग आर्म रिप्लेस किया है, रियर शॉकर इस पर चारों फुट रेस्ट, गियर लीवर, मतलब गाड़ी में ऐसा है हमने कोई कमी ऐसा नहीं छोड़ी है भाई जिसमें जो पार्ट ख़राब था, ऐसा नहीं है। कस्टमर ने ये बोल रहा था मेरी गाड़ी न्यू ब्रांड जैसी होनी चाहिए, इंजन में इसमें कोई काम था नहीं, मैं इंजन में क्या काम किया हमने, टाइमिंग चेन और क्लच का काम किया है और इसमें इंजन में कोई काम नहीं किया, लेकिन गाड़ी का जो साउंड है वो ठीक है कुल मिलाकर, मतलब बढ़िया है। ये देखो साउंड आज तो क्योंकि फ्यूल टैंक चेंज हुआ है तो इसमें हमने लॉक किट भी रिप्लेस करनी पड़ी, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक कैप होती है वो BS4 मॉडल की अलग होती है, इसलिए हमने पूरी लॉक किट ही इसमें इंस्टॉल कराई है। और ये दोनों ये मिरर हैं, साइड व्यू मिरर, बाकी हेडलाइट, ये फ्रंट फेंडर, और जो डिस्क प्लेट है फ्रंट और रियर दोनों रिप्लेस की है। बाकी पेंट आप मैंने दिखाई दिया था गाड़ी का, जो पेंट है मैंने फर्स्ट टाइम किया है, इतनी जो लुक होती है ना मतलब जैसी क्वालिटी पेंटर दे देते हैं वैसी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन अपनी तरफ से हमने अच्छी की किया। बाकी लुक कैसी नज़र आ रही है एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है गाइज। रही इसमें एस्टीमेट जो कॉस्ट कितना आया है, कितना इसमें खर्चा आया है, तो मैं बता दूं आपको इसमें टोटल हमारी लेबर चार्ज पेंट वेंट सारा टोटल मिला के जो इसमें आया है कॉस्टिंग आई है 55,000 के राउंड आई है, 53-54,000 यानी कि 50 से 55 के बीच में, ठीक है। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर आप मेरी सर्विस सेंटर पर आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल लोकेशन की, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, बुधवार की छुट्टी रहती है ये हमेशा ध्यान रखना, बुधवार को छोड़ के आप कभी जा सकते हो ऑन फोन करके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।